यूक्रेन और रूस जंग के 199 दिन रूसी सैनिकों ने यूक्रेन के शहर डोनेट्स्क पर एक अपार्टमेंट पर मिसाइल से हमला कर दिया, जिसमें 29 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने 24 शव बरामद कर लिए हैं। मलबे में 6 लोगों को भी निकाला गया। डोनेट्स्क के अलावा रूस ने खार्किव शहर पर भी 3 रॉकेट दागे, इसमें करीब 8 लोगों की मौत हो गई। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी तमिलनाडु में है, वहाँ उनके कार्यक्रम से ज्यादा उनकी टी शर्ट की चर्चा है। राहुल गांधी ने बर्बेरी कंपनी की सफेद रंग की टी शर्ट पहनी है। भाजपा ने उनकी फोटो ट्वीट करके भारत देखो 41,000 की टी शर्ट। भाजपा ने अपने ट्वीट में कंपनी की ऑनलाइन सेल का प्राइस टैग भी दिखाया है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश में गणपति विसर्जन के दौरान 5 जगह बड़े हादसे हुए। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में झगड़ौली नहर में गणेश जी की प्रतिमा के साथ 8 लोग बह गए, जिसमें से 4 की मौत हो गई। अभी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सुप्रीम कोर्ट मैरिटल रेप पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। मामले की सुनवाई 16 सितंबर को होगी। मैरिटल रेप यानी पत्नी की सहमति के बिना उससे संबंध बनाने के मामले एनजीओ आरआईटी फाउंडेशन, ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वुमेन्स एसोसिएशन और 2 व्यक्तियों ने 2015 में दिल्ली हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। दिल्ली में अच्छी एजुकेशन व्यवस्था और अच्छे स्कूल कॉलेजों का दावा करने वाली केजरीवाल सरकार अपने प्रोफेसरों को सैलरी तक नहीं दे पा रही। मामला दिल्ली सरकार के दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज का है। यहां प्रोफेसरों की सैलरी में कटौती की गई है। कॉलेज के मुताबिक फंड की कमी की वजह से यह फैसला लिया गया। भारत में कोरोना वायरस महामारी के मामलों में फिर बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। नए केस 10,000 के आसपास आ रहे हैं। देश में बीते 24 घंटों में 9,938 लोगों की कोरोना वायरस रिपोर्ट पॉजिटिव आई। वहीं 13,090 मरीज रिकवर हुए। इस दौरान 36 लोगों की मौत हो गई। दुनिया भर में कोरोना वायरस के मामले बढ़कर 61,31,00,000 हो गए। इस महामारी से अब तक कुल 65,00,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 12.62 अरब से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हुआ। ये आंकड़े जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने साझा किए। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ सेकंड के निधन के बाद उनके बेटे प्रिंस चार्ल्स नए किंग बन गए हैं। अब उन्हें किंग चार्ल्स थर्ड के नाम से जाना जाएगा। बतौर राजा वे पहली बार बकिंगम पैलेस पहुंचे। उन्होंने अपने पहले भाषण में कहा कि वे महारानी की तरह पूरी निष्ठा और प्रेम के साथ लोगों की सेवा करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के वनडे और टी20 के कप्तान एरॉन फिंच ने वनडे क्रिकेट से रिटायरमेंट लेने की घोषणा कर दी है। वह रविवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे वनडे मैच के बाद इस फॉर्मेट को अलविदा कह देंगे। फिंच की रिटायरमेंट की वजह वनडे में खराब प्रदर्शन माना जा रहा है। तेल कंपनियों ने आज 6 बजे पेट्रोल डीजल के दाम जारी कर दिए हैं। आज लगातार 110वें दिन पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर रखे गए। आखिरी बार 21 मई को केंद्र सरकार के एक्साइज ड्यूटी कम करने के फैसले के बाद पेट्रोल डीजल के दाम कम हुए थे। सरकार ने पेट्रोल पर 8 रुपए और डीजल पर 6 रुपए एक्साइज ड्यूटी कम करके लोगों को बड़ी राहत दी थी।